प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम दीदी। दीदी हम अपना गाँव में अहाँ के बहुत दिन के बाद देखलो, कहीं जा रही है की दीदी? हाँ हम अपने मिले जा रही है, लगे है कि अपने कहीं जा रही है। हाँ दीदी जा रही है। कहाँ जा रही है? सीएलएफ के मीटिंग छे दीदी, वहीं जा रही है। अच्छा सीएलएफ के मीटिंग छे, वहीं जा रही है। ठीक छे दीदी, जब तक अहाँ हमरा घर पर चलियो चाय नाश्ता करबे तब तक हम सीएलएफ के मीटिंग से वापस आ रही छे। दीदी हम अपने के घर पर जेबे चाय नाश्ता करबे, लेकिन सीएलएफ की होय छे अपने तनी हमरा बतैयो। ठीक छे दीदी, आज संजोग से हमारे सीएलएफ के बैठक भी छे, अहाँ हमरा साथ चलियो, वो भी देख लेबे। और ज्यादा जानकारी हमर पिंकी दीदी आयल छथिन, हुनकरा से ले लेबे, विस्तार से अहाँके बता देब। ठीक छै दीदी, चलिए सीएलएफ देखियो लेबै मीटिंग, और पिंकी दीदी से सीएलएफ के गठन के बारे में जानकारियो ले लेबै। ठीक छै दीदी, चलिए 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 चलिए। चलियो दीदी अब हमारे सीएलएफ के ऑफिस आ गए, चलियो देखो। दीदी यह छथिन हमर सीएलएफ के मेम्बर दीदी, सदस्य दीदी पिंकी दीदी, और पिंकी दीदी ई दीदी छथिन आराधना दीदी। ई दीदी यहाँ अलखनी है सीएलएफ के गठन के बारे में कुछ जानकारी देती। ठीक छै आराधना जी, आप प्रार्थना पर चेक के बाद अपने के हम सीएलएफ के गठन के बारे में विस्तार से बताएं। पिंकी देवी शारदा जीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव छे, प्रतिज्ञा जीविका महिला ग्राम संगठन के कोषाध्यक्ष हम छे, संस्कार जीविका महिला संपूर्ण संघ के सामाजिक ऑडिट कमिटी हम छे। सभी दीदी भैया को प्रणाम, मेरा नाम शीला देवी, जयमा सती जीविका स्वयं सहायता समूह का कोषाध्यक्ष हूँ, ज्योति जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी लिमिटेड अध्यक्ष हूँ, संस्कार जीविका महिला संपूर्ण संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। सभी दीदी भैया को प्रणाम, मेरा समूह का नाम शिव शंकर, जीविका स्वयं सहायता में समूह का कोषाध्यक्ष, मैं नारी शक्ति जीविका ग्राम संगठन का अध्यक्ष, संस्कार जीविका महिला संघ का मैं उपाध्यक्ष हूँ। सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम, मेरा नाम लक्ष्मी देवी है, जय माँ सती जीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ, ज्योति जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी लिमिटेड की मैं सदस्य हूँ, संस्कार जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ की मैं सदस्य हूँ। सभी दीदी भैया को प्रणाम, मेरा नाम है रीना देवी, मेरा समूह का नाम है जय माँ सती जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ, मेरा अभियोग का नाम है ज्योति जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी लिमिटेड की सदस्य हूँ, मेरे सीएलएफ का नाम है संस्कार जीविका महिला संकुल संघ का सदस्य हूँ। दीदी अब सबके परिचय भए गेलै, आब अपन परिचय दीदी बताउ। सब दीदीक प्रणाम, हमर नाम आराधना छै, हम सीएलएफ के गठन के बारे में जानै लागल छी। दीदी सीएलएफ बने के पहले समूह की ट्रेनिंग होइ छै, उसके बाद ग्राम संगठन की ट्रेनिंग होइ छै, जब दोनों की ट्रेनिंग समाप्त हो जाइ छै तब सीएलएफ गठन के प्रक्रिया शुरू होइ छै। हाँ दीदी, अपने यहाँ समूह और वीओ के ट्रेनिंग भए गेल छै? हाँ दीदी, हमरा यहाँ समूह और वीओ दोनों के ट्रेनिंग हो गेल छै। दीदी समूह और वीओ के बैठक के बाद सामान्य इकाई के भी बैठक भए गेल। दीदी जे बात नहि समझबै दीदी फेर से पूछ लेबै अहाँ, समझलियै ने? अगर नहि समझ में आबै छै तऽ दीदी से पूछ लेबै, तऽ फिर से दीदी बता देत अहाँके। दीदी समान इकाई की होय छै, अपने हमरा समान इकाई के बारे में बढ़िया से बतियेबै। जानलिए दीदी, हर वीओ के जे बारे बारे निर्देशक मंडल होय छै वह हमर सीएलएफ के समान निकाय छै। हाँ दीदी हम समझ गेलिए कि सीएलएफ बने से पहले समान निकाय के बैठक भी बुलायल जाय छै।
दीदी हर ग्राम संगठन से दो दो प्रतिनिधि निकालै छिए आ सीएलएफ के आरजीबी बनबै छिए। अच्छा दीदी समझ गेलिए, और कुछ होय छै आगे बताइए। अच्छा दीदी एगो और होय छै कि निर्देशक मंडल उचित दीदी बतैथिन अहाँके। सुनलिए दीदी, जीबी आरजीबी में से निर्देशक मंडल सीएलएफ के बने छै, उस निर्देशक मंडल में आरक्षण के ध्यान रखे पड़े छै। दीदी आरक्षण की होय छै, अपने आरक्षण के बारे में हमरा बतेबे। दीदी सूचित अनुसूचित जनजाति के दो दीदी के, दो दीदी पिछड़ा वर्ग के, दो दीदी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दीदी का आरक्षण में रखे पड़े छै। भए गेलै दीदी, इतने सब निर्देशक मंडल छथिन कि और कुछ छै? नहीं दीदी, निर्देशक मंडल में से 5 प्रतिनिधि चुनल जाय छै, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव उप सचिव कोषा अध्यक्ष सीएलएफ के 5 प्रतिनिधि होले। अच्छा दीदी समझ गेलिए ना, एना ही सीएलएफ के गठन होय छै आ हमहू सब एना ही सीएलएफ के गठन करने छिए। दीदी अपने सीएलएफ कथिल बनेलिए हमरा बताइए। दीदी एकरा बारे में बहुत अच्छा से बता दे छिए कि किया सीएलएफ हम बनेलिए। जैसे कि हम समूह में समूह बनेलिए तो छोटा छोटा समस्या हमरा समूह से हल होय रहे आ वैसे नहीं पूरा होले तो हम ग्राम संगठन बना लेलिए सब दीदी मिल के। अब यो से हम बड़ा काम के लिए सोचे छी, कैसा और बड़ा काम हम करबे, जैसे कि कोई सरकारिये सुविधा होले तो हम केना काम करबे, तो हमर ग्राम संगठन से नहीं हो पारले तो बड़ा काम के लिए हम सीएलएफ बना लेलिए। दीदी हमरा समूह के छोटा छोटा समस्या तो समूह में हल होइए जाय रहे, ओकर वहाँ से नहीं हो रहे तो भीओ में हल होय रहे, आ भीओ के कोनो समस्या होय रहे एकरा लिए हमरा खगड़िया बीपीआईयू दौड़ दौड़ के जाय पड़े रहे, सब दीदी के दिक्कत होय रहे, एकरा लिए सीएलएफ के गठन होले, इससे हमरा आर के सब दीदी के सुविधा होले कि सारा काम सीएलएफ में होय छै। हमर सीएलएफ जे छै भीओ और समूह के कार्यकर्ता के देख रेख सीएलएफ से करल जाय छै। दीदी सब तो हमरा पूरा जानकारी भए गेलै, लेकिन अपने अब और बताइए कि एकरा में और कुछ होय छै सीएलएफ में? हाँ दीदी एक बात और छै कि सीएलएफ ओ खाता खुलै छै, जेना कि भीओ खाता खुलै छै ओना ही सीएलएफ ओ खाता खुलै छै, सीएलएफ का अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के नाम से खुलै छै, ओहिमे राशि आबै छै। दीदी एक बात जान लियो, सीएलएफ में जे राशि आवे छै वह राशि से हमारे सीएलएफ का विकास होय छै। दीदी अब आप अपने समझ न गेलिए सीएलएफ के गठन किया भेले केना बनले? हाँ दीदी हम समझ गेलिए, हमरा बहुत अच्छा तरह से समझ गेलिए, हमरा बहुत अच्छा लगले। सीएलएफ बनाना बनबे के बहुत जरूरी छै, ई लेके अपने सब हमरा समय देलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपने सब दीदी के। आज हम समझ गेलिए कि सीएलएफ बननाय बहुत जरूरी छै, और सब दीदी के संदेश दै छियै कि अपने सब भी सीएलएफ बनाइए, और ई लेल सब दीदी के हम धन्यवाद दै छी। अपने सब दीदी जे हमरा बहुमूल समय देलिए, एकरा सिखैलिए सीएलएफ के बारे में, एकरा लिए बहुत बहुत धन्यवाद।